नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के प्रजनन दर में कमी आने की बात कही है, लेकिन उनके बयान से सहयोगी पार्टी बीजेपी ही सहमत नहीं है। दरअसल विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में प्रजनन दर गिरकर 3.2% पर आ गई है और हम इसे और नीचे लेकर आएंगे। प्रजनन दर में कमी लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए लड़कियों को शिक्षित करने की जरूरत है। सरकार 12वीं और ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को आर्थिक सहायता दे रही है। एक समय ऐसा आएगा कि प्रजनन दर स्थिर हो जाएगा और फिर इसमें गिरावट आनी शुरू होगी, फिर इसका लाभ लोगों को मिलेगा। प्रजनन दर को आपको बता दिए हैं कि अब 3.2 हो गया है 19-20 में, लेकिन इसको तो हम लोग और प्रजनन दर को कम करना चाहते हैं। इसके बारे में तो बराबर बोल रहे हैं। हर एक जो पंचायत है उसमें +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय जो बनाने की हम लोगों की योजना है, जिस पर काम चल रहा है। 9वां की पढ़ाई भी बाकी कुछ जगह जो बचा था पंचायत उसमें शुरू हो गया और उसके आगे उसको 12वीं क्लास तक पढ़ाएंगे। तो ऐसा करने से प्रजनन दर ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से घटेगा। जैसे प्रजनन दर के बारे में तो हम लोग की राय है पहले से और बार बार हम इसकी चर्चा करते हैं, तो महिलाएं पढ़ेंगी तो उससे काफी अच्छा सहूलियत होगी। और महिलाएं पढ़े उनके लिए कितना और ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं लोग इंटर पास करने पर, और अविवाहित तो उनको 25,000 देंगे, और अगर पास कर गई ग्रेजुएट हो गई चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित उनको 50,000। तो हर तरह से उनको और प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ये सब कदम उठाया। तो इन सब चीज का नतीजा होगा कि आप देख लीजिएगा कि धीरे धीरे बिहार की कम में प्रजनन दर घटेगा और अंत में जाकर के एक समय आएगा कि वो एक स्तर पर आएगा और फिर नीचे जाना चाहिए। तब तक तो हम लोग रहेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, लेकिन ये काम हम लोगों ने शुरू करा दिया है जो भविष्य में लोगों को होगा इस रास्ते से। तो जो कुछ भी हमने सर्वेक्षण कराया, सर्वे किया, उसमें जब सारी बातें आई तो हम बार बार कहते यूरेका की भावना कि हर जगह इसको कर दें और उसका लाभ मिलना शुरू हो। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान से बीजेपी सहमत नहीं दिखी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने तो प्रजनन दर को लेकर विवाद पैदा करने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रजनन दर को लेकर सिर्फ हिंदू समाज की महिलाएं चिंतित हैं, वे इसका पालन करती हैं, लेकिन मुसलमान समाज के लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज बबलू ने पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की। बिल्कुल होना चाहिए, बिहार नहीं पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, हम चाहते हैं कि देश का जो क्षेत्रफल है और देश में जो जनसंख्या का आंकड़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए, इस देश को सही सलामत रखने के लिए और देश में विकास का काम तेजी से लाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना ही चाहिए। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी डिमांड करेंगे कि जल्द से जल्द इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं। विपक्ष को तो राग अलापना है, विरोधी का राग अलापना काम है। हम कुछ भी अच्छा बेहतर काम करेंगे तो उनको लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम देश हित में बात कर रहे हैं। वहीं ठाकुर के बयान को AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने भड़काने वाला बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रजनन दर का मामला गरीबी और अमीरी से है। आपको दलितों की बस्ती में ज्यादा बच्चे मिलेंगे। बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक भड़काने वाला और नफरत फैलाने वाला बयान दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।